श्याम भक्त मंडल हीरापुर धनबाद की एक प्रेस वार्ता गोल्फ ग्राउंड में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष श्री रितेश शर्मा ने बताया कि 29 अक्टूबर 2023 को गोल्फ ग्राउंड धनबाद में श्री श्याम बाबा का भव्य कीर्तन आयोजित किया जा रहा है। भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, बाबा का सुंदर श्रृंगार किया जाएगा और बाबा के भजनों के लिए सूरजगढ़ के सेवादार श्री हजारी मल जी सैनी, श्री कन्हैया मित्तल जी चंडीगढ़ वाले, सुश्री परविंदर पलक दिल्ली, श्री संजय सेन सूरजगढ़, श्री राजेश शर्मा सूरजगढ़ और श्री मनोज सेन धनबाद को भजनों के लिए आमंत्रित किया गया है। बाबा का नयनाभिराम श्रृंगार होगा। वहां सम्मिलित सभी श्याम प्रेमियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था गोल्फ ग्राउंड में ही की गई है। इस आयोजन हेतु पंडाल व्यवस्था समिति, भंडारा व्यवस्था समिति, अतिथि सम्मान समिति, प्रसाद एवं भोग वितरण समिति, सुरक्षा समिति, वाहन व्यवस्था समिति, चरण पादुका समिति तथा आवास समिति का गठन किया गया है। इन विभिन्न समितियों का दायित्व श्याम मंडल के विभिन्न सदस्यों को सौंपा गया है। इस कार्यक्रम में अनुमानित 10,000 श्याम प्रेमियों के सम्मिलित होने की उम्मीद की जा रही है। कार्यक्रम में प्रेमियों द्वारा कई प्रकार के भोग एवं सवामनी प्रसाद अर्पण किए जाएंगे। जिले के बाहर से पधार रहे प्रेमियों के लिए पूर्व सूचना प्राप्त होने पर आवास की व्यवस्था की जाएगी। कोलकाता के कारीगरों द्वारा भव्य दरबार का निर्माण किया जाएगा तथा फूलों के श्रृंगार के बीच बाबा की सुंदर झांकी का दर्शन होगा। भजन संध्या के साथ साथ सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए धनबाद शहर के हर निःशुल्क भोजन शिविर पर मंडल द्वारा भोजन में सहयोग करने का संकल्प लिया गया है। सालासर धाम, झुंझुनू धाम एवं खाटू श्याम मंदिर के श्रृंगार की तैयारी चल रही है। स्थानीय देवालयों में भी श्रृंगार की व्यवस्था की जा रही है। सभी सदस्य दिन रात मेहनत कर इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार तथा जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में रितेश शर्मा, विजय अग्रवाल, मिट्टू सरिया, मनोज खेमका, अरविंद सतनालिका, दिलीप गोयल, विनय रिटोलिया, अश्विनी कुमार, राघव अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, आशीष जिंदल, सनी अग्रवाल, अजय अग्रवाल, विक्की अग्रवाल, अंकित सुल्तानिया, राहुल कुमार, मोनू कुमार, संजीव कुमार, संजय सरावगी, सानू लाडिया, रुपेश अग्रवाल, ललित अग्रवाल, संदीप कटेसरिये व मंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। श्री श्याम गुणगान महोत्सव एक भव्य प्रणाम भजनों की रासलीला। श्री श्याम भक्त मंडल हीरापुर के 48वें वर्ष में हम लोग ये भव्य प्रोग्राम यहाँ गोल्फ ग्राउंड में आयोजन कर रहे हैं, जिसकी तैयारियाँ अभी चल रही हैं और परसों ये शाम को 3-4 तक कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें श्री कन्हैया मित्तल जी, जो देशव्यापी जो देश ख्याति कलाकार हैं, वो अपने भजनों से लोगों का मन रिझाएंगे और उनके साथ में कई और कलाकार भी हैं। एक सूरजगढ़ की टीम भी है, परविंदर पलक जी भी हैं, वो सब अपना जलवा उस दिन बिखेरेंगी। करीब करीब 8 से 10 हज़ार श्याम भक्तों का यहाँ पर जुटान होगा, जो कि भजनों के से अपना दिल बहलाएंगे। लोगों के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें समय 3:30-4 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक, इसमें दूर 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 से काफ़ी लोग आएंगे यहाँ पे। पासेस वगैरह है एंट्री को लेकर? ये एंट्रीज ऐसे कोई पासेस का वो नहीं है, ये फ्री टू ओपन है, सबके लिए है। विभिन्न प्रकार की सवामनियाँ लग रही हैं, जिसके जिसका अलग से व्यवस्था की जा रही है। उनका अलग से पास बन रहा है, जो सवामनी यहाँ पे बाबा को अर्पण करेंगे। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको।